हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग शुरू करने वाली हूँ। स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत आज मैं फिजिकल फिटनेस के बारे में बता रही हूँ। फिजिकल फिटनेस कितने प्रकार का होता है? हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंड दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसके अंतर्गत स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आती है। एंड इसके अंतर्गत और टॉपिक्स जैसे फ्लूइडाइजेशन, ट्रेनिंग साइकिल, ट्रेनिंग लोड, सुपर कंपनसेशन, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के बाद ही मैं अन्य टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी। बस आप देखते जाइए इस टॉपिक से। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2021 के TGT फिजिकल एजुकेशन जो 8 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें 15-20 क्वेश्चंस ओनली फिजिकल स्पोर्ट ट्रेनिंग से पूछे गए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। एंड दोस्तों, आप यदि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बन सकते हैं एंड आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, LT का भी फॉर्म आने वाला है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देर से तैयारी करने, इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। किसी चीज़ को पाने के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप इंतजार मत कीजिए, अभी से लग जाइए। दोस्तों, चलिए जानते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस जो होता है वह कार्य जो कोई व्यक्ति या किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में बिना रुके आसानी से कर ले, वही आपका फिजिकल फिटनेस होता है। इसको वैज्ञानिक भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग कॉल फिजिकल फिटनेस। ठीक है, डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग कॉल फिजिकल फिटनेस, यानी कि बिना थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता ही हमारा फिजिकल फिटनेस है। यानी करी टू डेली टास्क, डेली के कार्य को, टास्क को पूरा करना, वो भी बिना थकान के, एनर्जी फुल रूप से, आपको थोड़ा भी होपलेस नहीं होना है। यानी कि बिना थकान के आप अच्छे ढंग से कार्य को संपन्न कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो आप फिजिकली रूप से फिट हैं। यदि आप अच्छे ढंग से संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, किसी कार्य को करते करते हाँफने लगते हैं या आपको एनर्जी डाउन हो जाती है, आप फिजिकली रूप से फिट नहीं हैं। इसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस, यानी डेली के कार्य को आप बिना थके आसानी से किसी भी वातावरण में कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तो आप फिजिकली रूप से फिट हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है, किसे कहते हैं। तो आप अभी अपने को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि आप किसी कार्य को करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं या हाँफने लगते हैं या आपको एनर्जी डाउन हो जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि आप फिजिकली रूप से फिट हैं या अनफिट हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप फिजिकल फिटनेस को समझ गए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, एनी फटीग, ये किस के संबंध में कहा गया है? तो फिजिकल फिटनेस, या फिजिकल फिटनेस का है तो बिना थकान के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। बस ये याद कर लीजिए, कैरी टू डेली टास्क, इजी रूप से आप डेली टास्क को पूरा कर रहे हैं बिना थकान के, यही आपका फिजिकल फिटनेस है। दोस्तों, जैसा कि फिटनेस यानी स्वास्थ्य किसी विशेष कार्य से संबंधित होता है, जैसे कि सभी विशेष कार्य के लिए हमारी जो फिटनेस लेवल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सारे शिक्षा एवं खेलों में प्रत्येक खेल के लिए खिलाड़ी की फिटनेस अलग अलग होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं अन्य रूप में कि एक डॉक्टर की फिटनेस, एक इंजीनियर की फिटनेस, एक हिंदी टीचर की फिटनेस एवं एक सारे शिक्षक की फिटनेस अलग अलग होती है। इसी प्रकार से एक फुटबॉल के खिलाड़ी की फिटनेस, एक कुश्ती के खिलाड़ी की फिटनेस भी अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थात फिटनेस जो होता है उसे कार्य की प्रकृति के अनुसार होती है। यानी कि हम कहते हैं कि आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, क्या आप फिजिकल एजुकेशन के सभी नॉलेज रखते हैं? क्या फिजिकल एजुकेशन के नॉलेज में आप फिट हैं? तो आप अगर फिट हैं, सभी कुछ नॉलेज रखते हैं हर एक क्षेत्र के बारे में, तो आप फिजिकल एजुकेशन के नॉलेज में फिट हैं। उसी तरह कोई इतिहास का टीचर है तो आप इतिहास के सभी पार्ट के बारे में वो जानता है, उसको अच्छे ढंग से संपन्न करा लेता है, तो इतिहास के नॉलेज में फिट है। इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन में आता है कि किसी कार्य को बिना थके आसानी से डेली रूटीन में कार्य को संपन्न कर लेना, अपने अपने क्षेत्र में कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वही आपका फिजिकल फिटनेस है। तो इस प्रकार फिजिकल फिटनेस या जो फिटनेस होता है उसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप होता है कि आपका कार्य किस प्रकार का है। दोस्तों, ये था फिजिकल फिटनेस के बारे में, जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे। तो अब मैं बताती हूँ फिजिकल फिटनेस कितने प्रकार का होता है।
ये फिजिकल फिटनेस जो है दो प्रकार का होता है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले मैं बात करूंगी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो एंड्योरेंस या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आता है। तो पहले मैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत जितने आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी संक्षिप्त लेवल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मांसपेशियों की क्षमता क्या है, कितना पावर का यूज कर सकता है। जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि पेशी या पेशी समूह की, क्या एक पेशी या पेशियों के समूह की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध उसके ऊपर से कार्य करती है। जैसे कि हम किसी डंबल को एक ऊपर उठाते हैं पूरी क्षमता से, तो वो हम प्रतिरोध यानी हमारा जो भार हो गया वही हमारा प्रतिरोध हुआ, उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। यानी केजी का है तो हम उस पर 15 kg का शक्ति लगा रहे हैं तो वो आसानी से हमारा उठ जाता है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, उस वेट के यानी भार के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा वो वेट उठ जाता है, यही हमारा शक्ति है। जैसे दीवार को धक्का मारना, डंबल्स उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना, यही हमारा शक्ति है। दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, मांसपेशी सहनशीलता। सहनशीलता का शब्द आते ही आप समझ जाइए कि ये लंबे समय की क्रिया की बात कर रहा है। जितने भी लंबे समय की क्रिया है उसमें एंड्योरेंस ही होगा, आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कभी। जैसे इसमें क्या है कि पेशी व पेशी समूह की वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करते रहे, करने में सहायक हो। लंबे समय तक आप थक गए हैं तब पर भी उसको कर रहे हैं, आप अपने सहनशीलता को बरकरार बनाए हुए हैं, ये आपका होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। जैसे क्रॉस कंट्री दौड़, पुलअप्स, सिटअप्स आप बार बार लगा रहे हैं या लंबी दूरी की दौड़े इसमें आती हैं। नेक्स्ट है कार्डियो एंड्योरेंस। एंड कार्डियो एंड्योरेंस यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी हृदय और फेफड़ों की क्षमता, ठीक है। कार्डियो मतलब हृदय, रेस्पिरेटरी मतलब हृदय और फेफड़ों की क्षमता, ठीक है, हृदय और फेफड़ों की क्षमता। यानी कि ये भी एंड्योरेंस, जहां भी एंड्योरेंस शब्द का प्रयोग हो लंबी समय की क्रिया इसमें भी आती है, ठीक है। यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस वह होता है यानी कि हृदय व फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास के दौरान प्रभावी रूप से अपने को व्यवस्थित कर लेती है। यह क्रिया लंबे समय की होती है जो थकान की स्थिति में भी की जाती है। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कोई क्रिया या अभ्यास कर रहे हैं लंबे समय तक तो उस समय जो हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता होती है वो अपने आप में सामंजस्य बैठा लेती है और क्रिया को व्यवस्थित कर लेती है और लंबे समय तक हम क्रिया करते रहते हैं। यही हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है या हृदय फेफड़ों की क्षमता है। यदि यह क्षमता अच्छा नहीं होगा तो हम लंबे समय की क्रिया को आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ठीक है। लचीलापन नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि ये जोड़ों की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे जोड़ों के आसपास पाए जाने वाली जो गतियां होती हैं वही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जोड़ों, लिगामेंट्स तथा टेंडन की वह क्षमता होती है जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे प्रसार, ग्रेटर रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ करने में सहायक होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन यानी कि शरीर में उपलब्ध हमारी वसा, मांसपेशी और हड्डियों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी हमारी शरीर में उपलब्ध वसा, मांसपेशी तथा हड्डियों की मात्रा को बारे में ये बताता है बॉडी कंपोजिशन। ये था हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से संबंधित कौन कौन से आते हैं इसमें, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। तो दोस्तों इसमें मेन आपके पांचों में से सबसे मेन है आपका बॉडी कंपोजिशन एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ये दो ज़्यादा पूछा जाता है, एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ।
तू कभी पूछा जाता है आपके हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन सा आता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ऑप्शन दे देगा स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। तो आप किसको टिक लगाएंगे, तो आप बॉडी कंपोजिशन को टिक लगाएंगे, ठीक है। एंड अब आता है मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, इसके अंतर्गत आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आती हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यानी मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के पांचों कंपोनेंट्स, इसको कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के कंपोनेंट्स के अंतर्गत भी इसको बोला जाता है, यानी मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस बोलिए या कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग बोलिए, उसके अंतर्गत ये पांचों यानी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी यानी शक्ति, चाल, सहनशीलता, लचीलापन, समन्वयकता, ये आता है। ये पांचों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत से बहुत से पार्ट आते हैं जो आपको डिटेल में जानना होगा एक एक टॉपिक के बारे में। तो एक एक टॉपिक के बारे में अलग अलग वीडियो में बनाऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि आज आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इसके प्रकार हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पूछा जाएगा आपको कि कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस किसके अंतर्गत आता है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आता है कि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आता है। तो आप तुरंत आंसर देंगे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत। बॉडी कंपोजिशन किसके अंतर्गत आता है, तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो आपका होगा मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस या कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। दोस्तों एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग होता क्या है इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी, एंड जो आपके ट्रेनिंग साइकिल्स हैं, प्रियोरिटाइजेशंस हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।